कांग्रेस के स्थापना दिवस पर लखनऊ में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय नेहरू भवन में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रही पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है। वह मंच पर कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ बैठी थी, इसी दौरान एक शख्स मंच पर पहुंच गया। वह प्रियंका के सामने खड़ा हो गया, तब सुरक्षा कर्मियों के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने उसको पकड़ा। चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। लखनऊ के नेहरू भवन में कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान प्रियंका गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। यहां पर एक सिख युवक दौड़ते हुए प्रियंका गांधी से मिलने के लिए मंच पर पहुंच गया। उस समय प्रियंका गांधी पार्टी नेताओं के साथ मंच पर बैठी थी। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ मंच पर चला गया और प्रियंका गांधी से मिलने की कोशिश करने लगा। मंच पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने उसे पकड़ लिया। वह प्रियंका से हाथ मिलाना चाहता था, इससे पहले सुरक्षाकर्मी और नेताओं ने उसे पकड़ लिया था। इसके बाद खुद प्रियंका गांधी ने उसे छुड़वाया और उससे बात की। मंच पर आने वाला व्यक्ति कांग्रेस कार्यकर्ता था। प्रियंका गांधी ने भी उससे वार्ता की है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, सुरक्षाकर्मियों ने बाद में उसको मंच से नीचे उतार दिया। अब उसके मंच पर पहुंचने के कारणों की जांच की जाएगी।